कई बार ऐसा होता है कि आदमी को ये पता नहीं चलता है कि बीमारी क्या है, तो उस स्थिति में भी आप निरापद रूप से गिलोय का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह टॉक्सिक नहीं है, ये विषैला पदार्थ नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध तक और किसी भी डिजीज से ग्रसित व्यक्ति हो, और मैं यदि एक बात को कहूँ कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए कोई भी औषधि खा रहे हो, किसी भी पैथी की दवाई खा रहे हो, उसके साथ में यदि आप इन गिलोय की डंडियों को, इतनी सी डंडी ले लें, इसको तोड़ करके, इसको कुचल करके, मतलब इसको कूच करके, इमाम जस्ते में कूट करके, थोड़ा पानी मिला करके, मसल करके, यदि छान करके सुबह शाम आप पीते हैं, कैंसर जैसी बीमारी में भी हमने देखा इससे बहुत हेल्प मिलता है। हम लोगों ने अभी एक बड़ा रिसर्च किया कि जितने भी जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हैं, तो ये भी नया होता है कि उसको सेल लाइन से पहले पहले वो डॉकिंग सिस्टम से हम ट्रायल करते हैं कि कौन सा प्लांट्स किस डिजीज़ में इफ़ेक्टिव है। तो हमने ये पाया कि किसी भी पौधे से ज़्यादा प्रभावशाली गिलोय है। ये इतना निरापद और बहुत ही प्रभावशाली यह पौधा है, और इसको सामान्य रूप से सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आपके पास ताजी है, आप बिल्कुल इसको आंगन में लगाइए, घर में लगाइए, छत में लगाइए, बालकोनी में लगाइए, कहीं पर भी हो रहा है। यदि आपको सुंदरता सी करनी हो, एक गमले को कहीं थोड़ी खुली जगह पर रख दीजिए, रस्सी से उसकी बेल को बांध दीजिए, ऊपर खूंटे पर टांग दीजिए, चार पांच रस्से को नीचे कर दीजिए, उसी रस्सी में ये झूलती रहेगी, घूमता रहेगा। और उसके बाद में एक टहनी को, जो मोटी टहनी है, उसमें से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत देखने में भी सुंदर है, हरियाली भी, ग्रीनरी भी, आँखों के लिए अच्छा भी, और रोगों के लिए लाभकारी। जैसे जिसको हीमोग्लोबिन कम है, या जिनको कैंसर जैसे भयानक बीमारियां हैं, शरीर का रेजिस्टेंस पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि गिलोय का, जैसे मैंने कहा था, एक विलांत भर लंबी इसके डंठल को ले लिया, फिर हमने उसके अंदर थोड़ा सा वीट ग्रास को, गेहूँ का जवारा उगाइए, और उसको उगा करके थोड़ा सा, जैसे 20-25 ग्राम उसको लीजिए, दोनों को कूट करके इसमें 5-7 पत्तियाँ तुलसी को मिला लीजिए, और एलोवेरा भी आप थोड़ा सा मिला सकते हैं, एलोवेरा का थोड़ा गुद्दा लेकर उसमें मिला दें। तो तुलसी, एलोवेरा, वीट ग्रास और गिलोय, ये चार चीज़ों को नियमित रूप से आप इसको यदि पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, और बीमारियाँ नहीं हैं तो होने की संभावना नहीं रहेगी। तो यह एक अद्भुत पौधा है कि आँखों में लालिमा बनी रहती है, या रोशनी की प्रॉब्लम है, या भारीपन रहता है, या इन सब स्थितियों में, या कोई भी इन्फेक्शन है, तो बहुत सरल उपाय है कि गिलोय के इतनी सी डंठल को उसको कूट करके थोड़ा सा त्रिफला उसमें डाल दीजिए, इस पानी को रात को भिगो दीजिए, जब ये सारा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर के पानी को छान करके, नितार करके, जो आई वाश कप होता है, जो आँख को धोने के लिए जो कप होते हैं पानी भर करके, उसको यदि लगा करके बंद करें, खोलें, बंद करें, यदि ऐसी इस प्रक्रिया को दोनों आँखों में लगभग आप 5 से 10 मिनट तक करते हैं, तो आप देखेंगे इससे आपको आँखों का भारीपन, या आँखों में जो इन्फेक्शन है, या कई बार आँखें लाल रहती हैं धूल से, या ऐसी किसी भी उससे, तो उसमें बहुत ही यह लाभकारी है। गर्मी की वजह से, पित्त से, या इंडाइजेशन से, एसिड की वजह से, कई बार वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, कहीं उल्टी होने की संभावना से लगती है, जी मिचलाने लगता है, उस स्थिति में थोड़ी सी गिलोय को आप काट करके टुकड़े को, फिर उसको कूट करके, यदि आप इमाम जस्ते में कूट करके थोड़ा मिश्री मिला लीजिए, मिश्री मिला करके वो पानी को थोड़ी थोड़ी देर में पिलाएं आप, तो आप देखेंगे ये बहुत लाभकारी है उल्टी के लिए। इसी तरह से जिनको पित्त की वजह से उल्टी हो, या जिनको बहुत ही भयानक धातु रोग की, प्रमेह की शिकायत हो, या जिनको लिकोरिया की बहुत ज़्यादा परेशानी हो, उसमें भी हमने देखा कि ये बहुत ही निरापद है। ये थोड़ा धनिया ले लें, धनिया के जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, धनिया ले लें, गिलोय ले लें, उसको कूट करके, धनिया और उसके साथ साथ में थोड़ा सा मिश्री को मिला करके, उसको पानी बना करके वह सुबह शाम पिए, काढ़ा बना करके एक एक कप प्रतिदिन पिए, तो इससे जो आपकी जो बहुत ज़्यादा जो एसिडिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी की परेशानी है, और जिनको डायबिटीज़ है, वो मिश्री ना मिलाएं, वो धनिया और गिलोय का पानी ले सकते हैं। तो सुबह शाम प्रतिदिन लेने से वो बहुत ही लाभकारी है, और इससे आपका जो इंडाइजेशन है, जो बढ़ा हुआ पेट है, या अंदर यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह की भी शिकायत है, यदि कहीं उसमें थोड़ी सी मुलेठी और आप मिला सकते हैं, तो मुलेठी, एक गिलोय और धनिया, तीनों को मिला करके यदि आप उसको कूट करके, उसको भिगो करके पानी भी ले सकते हैं रात को। जैसे मान लीजिए 10-20 ग्राम लगभग ताजी गिलोय ले लीजिए, और 5 ग्राम धनिया ले लीजिए, और उसमें 10 ग्राम मुलेठी, इसको कूट करके रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें, करीबन करीबन आधा लीटर पानी में, उसको भिगो करके सुबह जो है उसको
छान करके और आप पिएं। या फिर दूसरा उपाय ये भी कर सकते हैं, आप इसको उबाल लें, खूब उबाल करके इसको ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद छान करके पिएं। तो दोनों तरह से आप पी सकते हैं। यदि इसको पीते हैं तो जैसे मैंने कहा कि भयानक एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, अल्सर की भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको प्रमेह की हो, प्रदर की हो, लिकोरिया की हो, इसमें ये बहुत ही लाभकारी है और बहुत निरापद है। और प्रतिदिन यदि कुछ भी नहीं है तो भी आप इसको सुबह पानी पी सकते हैं, इसमें थोड़ा मिश्री मिला देंगे तो पीने में भी अच्छा लगेगा। प्रतिदिन इसका आप सेवन करके रोग मुक्त रह सकते हैं। शिकायत है हरड़ उसके लिए बहुत लाभकारी है। तो हरड़ में आप गिलोय को कूट करके 20 ग्राम को जैसे मैंने कहा आप हरड़ में डाल करके उसको काढ़ा बना दें, या त्रिफले में काढ़ा बना करके रात को आप भिगो दीजिए। त्रिफले को जैसे मान लीजिए 10 ग्राम त्रिफला और 20 ग्राम लगभग गिलोय को आप 2 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको उबाल लीजिए। खूब उबाल करके अच्छी तरह से उबल जाए, छान करके इसको, डायबिटीज नहीं है तो आप मीठा मिला के पिए, डायबिटीज है तो बिना मीठे का पिए। यदि ऐसा सुबह पीते हैं तो प्रतिदिन, या ज़्यादा परेशानी है तो सुबह शाम, तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी पाइल्स की शिकायत खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, मोटापा खत्म हो जाएगा। मोटापा के लिए बहुत अचूक है आजकल दुनिया, जहाँ की दवाइयाँ लोग खा रहे हैं उससे बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत तरह की हानि को उठा रहे हैं, तो निरापद रूप से। और इतना ही नहीं, इससे हमारी आंतें भी, इंटेस्टाइन भी बहुत इससे मजबूत होती हैं। और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आमवाद से लेकर के जिनको गठिया तक की जो शिकायत है, उनकी जो प्रारंभिक स्थिति से लेकर के जटिल अवस्थाओं में भी ये बहुत ही लाभकारी है। जिनको डायबिटीज़ है, वो गिलोय और त्रिफले का पानी मैंने देखा कि उसमें भी बहुत लाभकारी है। तो ये गिलोय और त्रिफले का मेल मैंने देखा, ये बहुत ही अच्छा मेल है। जिनको जैसे लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे लीवर सिरोसिस तक भी क्यों ना हो, या लीवर डैमेज हो रखा है आपका, SGOT SGPT बढ़ी हुई है, या बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, या पीलिया जॉन्डिस की शिकायत है, उस स्थिति में भी आप त्रिफला ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए, उसमें 2-3 चीज़ और मिला लीजिए। पुनर्नवा मूल, जो पुनर्नवा की जड़ होती है, पंसारी के आराम से मिल जाएगा, 5 ग्राम वो मिला लीजिए, थोड़ा भूमि आंवला मिला लीजिए, और उसमें थोड़ी सी कुटकी, कुटकी भी पंसारी के यहाँ मिलती है, बड़ी कड़वी सी होती है, तो कुटकी, पुनर्नवा के मूल और भूमि आंवला, उसमें त्रिफला और एक गिलोय, यदि इतनी चीज़ों को मिला करके सुबह शाम प्रतिदिन काढ़ा बना दें, तो कई बार आते लीवर इनलार्ज है, लीवर में स्वेलिंग है, और जिनको जॉन्डिस है, इन सारी शिकायतों में ये बहुत निरापद है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भी आप दे सकते हैं, काढ़ा बना करके आप नियमित रूप से चलाइए। यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई दूसरी औषधि का सेवन कर रहा है, तो उसके साथ में भी इसका सेवन वह व्यक्ति आराम से कर सकता है, क्योंकि यह कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। तो यह एक बहुत ही लाभकारी और बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। यानी कि जब आदमी को बीमारी होती है तो वो बहुत परेशान होता हुआ घूमता है कि पता नहीं कहाँ से हमको क्या उपाय करें, कहाँ जाएं, तो आपको भटकने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में गिलोय है, आप छत में लगाइए ना, कितनी सुंदर चीज़ है, आपके बगीचे का सुंदर, आपका बगीचा भी खिलेगा, बीमारियों से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो गिलोय को कहीं से भी आप घर में है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राप्त करके, और सब जगह, कई जगह पर हमने देखा भी, बहुत लोगों ने लगाया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो खूब गिलोय बांटते हैं। तो और कुछ भी नहीं तो सुबह उठ करके कोई बीमारी भी नहीं, इतना सा टुकड़ा ले लीजिए, आप थोड़ी कड़वी होती आदत पड़ जाएगी, आप चबा चबा करके उसको खाते रहिए पानी को, और उसके जो है ना अंदर के जो फाइबर है उसको निगलते रहिए। यूरिन की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन कम होता है, मूत्र कृष्ठ में भी, गिलोय को कूट करके थोड़ा सा, यदि आप उसको मिश्री मिला करके, धनिया मिला करके तो लेते हैं, तो मूत्र कृष्ठ में भी, जिनको यूरिन कम होता है, या रुक रुक करके यूरिन होता है, या जलन और दर्द के साथ यूरिन जिनको होती है शिकायत, उनके लिए भी ये बहुत ही बहुत अद्भुत है। हमने देखा कि तुरंत देने से ही एकदम तत्काल लाभ हो जाता है। बहुत महामारी की तरह से फैल रही हैं बीमारियाँ, चिकनगुनिया हो चाहे डेंगू हो, और कई बार मैंने देखा कि जैसे डेंगू आदि होने के बाद में वो बहुत दिन तक शरीर में दर्द बना रहता है, कभी ठीक ही नहीं होता है, वो बेचारे परेशान घूमते रहते हैं, उसके लिए दुनिया में कोई औषधि नहीं है। उसके लिए गिलोय अमृत की तरह से है। यदि आपको चिकनगुनिया या डेंगू कुछ भी हो गया हो, तो यह होने की स्थिति में भी आप इसका सेवन करिए। तो जहाँ से भी मिले आप शुद्धता से ले लीजिए और सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये निरापद ये सारे उपाय हैं। क्योंकि देखो, बीमार होने के बाद में मैं समझता हूँ एक समस्या, एक मजबूरी है कि समस्या के समाधान के लिए हम उपाय करते हैं, परंतु यदि हम बीमार नहीं हैं उससे पहले सावधानी से प्रयोग करते हैं, ये हमारी भारतवर्ष की विशेषता है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने इसलिए कहा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ है उसको बीमार ना होने देना, ये आयुर्वेद की विशेषता है। ये पहले बेचारे पौधे घर में रहने मात्र से भी ये आपको रोगों से रक्षा करते हैं, फिर भी बीमार हो गए तो ये अपने आहुति दे करके, यानी इनके प्रयोग के द्वारा आप रोग मुक्त हो सकते हैं। साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि आज की जो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं, पेट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है,
उसके लिए त्रिफले का साथ गिलोय, और मोटापे की समस्या उसके लिए भी त्रिफले का साथ गिलोय, जितने भी वायरल और बैक्टीरियल डिजीज हैं उन सब के लिए भी गिलोय। तो इस तरह से एक गिलोय अनेक रोगों में, जो ज्ञात रोग हैं, जो अज्ञात रोग हैं, जो अभी इस दुनिया में जिनको पता, जिन रोगों का पता है या जो नहीं पता है, उन रोगों में भी आप बड़ी निर्भयता के साथ में भरपूर रूप से आप गिलोय का सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।